नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी YouTube चैनल हरिओम स्टडी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा नवीं का गणित अभ्यास तीन प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 में पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती हैं। तो चलिए बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना लिए, यहाँ पे 0, 0 ये होता है मूल बिंदु है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, लाइन काट रही हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं जो दाएं से बाएं की तरफ जाती है उसे क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज, क्षैतिज। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे आती जाती है उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, ये वाई होता है वाई एच और ये यस यक्स एच होता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई और यक्ष अक्ष क्षैतिज रेखा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा वाई अक्ष। ठीक है, क्षैतिज रेखा वाई अक्ष को कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष को कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा यक्ष अक्ष को कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष को कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि इन दो रेखाओं से बनी तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो इसमें कितने भाग बने हैं? चार भाग, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो चार भाग बने, इस चारों भाग के नाम बताने। तो इन चारों भाग का नाम हो जाता है हमारा चतुर्थांश। ठीक है, इस चारों भाग का नाम हो जाएगा हमारा चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। ठीक है, और तीसरा प्रश्न कह रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं प्रतिच्छेदित मीन्स होता है जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस जगह पे काटती हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये दोनों, ये बाएं से दाएं जा रहा है, ये ऊपर से नीचे, तो ये अक्ष अक्ष वाई अक्ष को काट रही है। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। तो यहां पे लिख देंगे मूल बिंदु। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर पहला सॉल्व हो गया, दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या है? प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, आकृति 3.14 का मतलब हो रहा है कि अभ्यास तीन में चित्र जो
14 नंबर पर है उसको देख करके इन प्रश्न को हल करना है। तो 14 प्रश्न नंबर अभ्यास तीसरा में, सॉरी लेसन तीसरा में 14 नंबर पर जो आकृति है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है आकृति 3.14 को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बी के निर्देशांक को बताना है। ठीक है, ये यक्ष अक्ष वाई अक्ष, ऊपर से नीचे, नीचे जाएंगे तो माइनस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, और इधर बाएं की तरफ आएंगे तो माइनस में और दाएं की तरफ जाएंगे तो प्लस में। ठीक है, यहाँ पर 0.0 मध्य बिंदु होता है, मूल बिंदु। ठीक है, तो इसमें कह रहा है बी के निर्देशांक बताइए। तो बी के यहाँ हमको जाना है। ठीक है, बी के यहाँ जाना है, इस बी के यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे, या तो यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे वाई एच पे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे। उससे सॉल्व करने से पहले कुछ जरूरी चीजें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर रहे इस तरह से तो दाएं या बाएं, ठीक है, बाएं, दाएं या बाएं, और ऊपर नीचे के लिए ऊपर या नीचे, ठीक है, ऊपर या नीचे, इसे यक्ष अक्ष कहते हैं, और इसे वाई अक्ष। ठीक है, जो वाई अक्ष होता है उसे भुज कहते हैं, भुज, वाई अक्ष को भुज कहते हैं, और सॉरी यक्ष अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक है, कोटि, ये कंफर्म हो गया कि यक्ष अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो सबसे पहले यक्ष अक्ष, तो यक्ष अक्ष पे चलते हैं। तो यहाँ पे कितना जा रहा है, माइनस का 5, उसके बाद फिर ऊपर यहाँ पे 2 जा रहा है। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा, बी का निर्देशांक -5.2। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे -5.2 बी का निर्देशांक। अब कह रहा है सी के निर्देशांक, अब सी का निर्देशांक बताना है। तो सी का निर्देशांक, तो यहाँ पे सबसे पहले यक्ष अक्ष पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद वाई एच पे। तो यक्ष अक्ष पे कितना चल रहा है, 5, उसके बाद वो वाई एच पे -5 है। ठीक है, तो सबसे पहले वाई एच पे चल रहे या यक्ष अक्ष पे, तो -5 लिखें या 5, दोनों में से किसी दो रास्ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, या यहाँ से यहाँ पर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यक्ष अक्ष पे चल लेते हैं। तो यक्ष अक्ष कितना हो जाएगा हमारा, 5, और कामा कितना होगा, कामा -5। ठीक है, -5 पर यहाँ पे सी बिंदु कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, सबसे पहले यक्ष अक्ष पे चले हैं तो 5 लिखेंगे, और वाई पे चले हैं माइनस का, तो -5। सी का निर्देशांक 5.-5 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है, निर्देशांक -3.-5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं आकृति 3.14 में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कह रहा है कि निर्देशांक -3.-5 द्वारा पहचानी गई बिंदु। ठीक है, तो सबसे पहले वाई अक्ष की बात हो रहा है, तो वाई अक्ष पे -3 है, तो -3 यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ पर आया है -3 वाई अक्ष, सॉरी यक्ष अक्ष पे -3, उसके बाद वाई अक्ष आता है, तो वाई अक्ष पे -5। तो यहाँ से यहाँ तक -3, और उसके बाद -5 का यहाँ पे,
माइनस पांच यहाँ पर आ रहा है, तो कह रहा है इसकी पहचानी, इसका निर्देशांक हो जाएगा माइनस तीन कामा माइनस पांच, ठीक है। और इसकी पहचानी गई, क्या कह रहा है, पहचाना गया बिंदु, तो पहचाना गया बिंदु हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा पहचानी गई बिंदु ई। उसी प्रकार से ये चौथा कह रहा है निर्देशांक दो कामा माइनस चार द्वारा पहचानी गई बिंदु, तो सबसे पहले वाई एच, उसके बाद सॉरी यक्स एच, उसके बाद वाई एच, ठीक है। तो दो दो चल रहा है हमारा यक्स एच पे, उसके बाद वाई एच पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दो के यहाँ आएगा, उसके बाद नीचे जाएगा, या तो यहाँ तक आए उसके बाद नीचे जाए। तो सबसे पहले यक्स एच है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा दो, उसके बाद कामा चार, ठीक है, माइनस चार है, तो यहाँ पे माइनस चार है, तो इसका निर्देशांक हमारा हो जाएगा दो माइनस दो कामा माइनस चार, ठीक है, दो कामा माइनस चार हो गया। तो पूछ रहा है किस बिंदु पर है, तो हमारा ये जी पर है, ठीक है। पहचानी गई बिंदु हमारी क्या है, जी है, तो लिख देंगे यहाँ पे पहचानी गई बिंदु जी है। अब इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न कह रहा है डी का भुजा, ठीक है, डी का भुज, ठीक है, सॉरी भुज, डी का भुज पूछ रहा है। तो आकृति में देख लेते हैं, डी का भुज, डी हमारा कहां पर है, यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले यक्स एच पे चलेगा, यहाँ पे छह के यहाँ आएगा, उसके बाद वाई एच पे जा रहा है, तो दो वाई एच पे, तो इसका निर्देशांक सबसे पहले निकालेंगे, तो निर्देशांक हमारा हो जाएगा छ माइनस दो, ठीक है, छ माइनस दो हो जाएगा निर्देशांक, वाई पर जा रहा है बाद में, और सबसे पहले यक्स एच पे जा रहा है, तो छ कामा दो हो जाएगा। इसमें आप लोग को एक बताए थे कि यक्स एच को भुज कहते हैं और वाई एच को कोटि कहते हैं, तो इसे हम, ये यक्स एच है तो इसे कहेंगे भुज, और इसे भुज कहेंगे, और कोटि दो को कहेंगे, ठीक है। तो पांचवें प्रश्न में हमारा कह रहा है डी का भुज, तो डी का भुज हमारा क्या है, छह है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका निर्देशांक निकालने पर छह कामा दो आया है, तो यक्स पे छह चल रहा है और वाई पे दो, तो यक्स हमारा भुज होता है और दो कोटि होता है, तो इसमें हमारा भुज कितना आया है, छह, तो डी का भुज छह हो जाएगा, ठीक है, डी का भुज छह। और इसी प्रकार से छठवां प्रश्न कर रहा है बिंदु यच की कोटि बताइए, ठीक है, बिंदु यच की कोटि बताना है। तो यच हमारा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि यच यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको निर्देशांक निकालेंगे, तो निर्देशांक जब निकालेंगे तो सबसे पहले यक्स एच, तो यक्स एच माइनस पांच, यक्स एच पे माइनस पांच चल रहा है, उसके बाद वाई एच पे माइनस तीन, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा माइनस पांच कामा माइनस तीन। यच बिंदु का हमारा निर्देशांक है माइनस पांच कामा माइनस तीन, ठीक है। आपको यहाँ पे बताए थे यक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं, तो सबसे पहले किस पे चला है, यक्स, यक्स पे, तो यक्स ये भुज है और ये माइनस तीन क्या है, कोटि है। वाई पे माइनस तीन चला है तो ये हमारा कोटि है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि बिंदु यच की कोटि बताइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिंदु यच की कोटि क्या है, माइनस तीन, ठीक है, माइनस तीन है। सातवां प्रश्न कह रहा है बिंदु यल के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु यल के निर्देशांक, यल हमारा यहाँ पर है और ना ही दाएं जाना है ना ही बाएं जाना है, सिर्फ हमें ऊर्ध्वाधर रेखा पर यानी ऊपर जाना है सिर्फ। तो यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे पांच तक, जीरो से स्टार्ट करके कहाँ तक जा रहा है, पांच तक, तो इसका हमारा हो जाएगा माइनस पांच, सॉरी पांच जीरो कामा पांच, ठीक है, ये इसका निर्देशांक हो गया। जब इधर उधर कहीं नहीं जाना रहता है तो जीरो हो जाता है, ठीक है, तो जीरो कामा पांच हो गया। यल का निर्देशांक
0.5 है, ठीक है। इसी प्रकार से आठवां प्रश्न है, बिंदु यम के निर्देशांक बताइए। तो यम देख लेते हैं आकृति में किधर है, बिंदु यम यहाँ पर है और इसमें ना ही दाएं ना ही ऊपर जाना है और ना ही नीचे जाना है और ना ही दाएं जाना है, सिर्फ मूल बिंदु से यम तक आना है, ठीक है। तो मूल बिंदु से कितना आ रहा है, -3 तक यम के यहाँ आ रहा है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा, जब कहीं ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है तो इसका निर्देशांक हमारा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 से, यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहा है और -3 पे, तो इसका निर्देशांक 0.-3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे यम का निर्देशांक, यम का निर्देशांक 0-3। इसी प्रकार से प्रश्नावली 3.2 द एंड, ठीक है। प्रश्नावली 3.2 एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.3 लेकर के।